नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जून से रजिस्ट्री में लोगों को मिलेगी सहूलियत। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक। बिहार के किसानों को जागरूक करने निकलेंगे 4 ज्ञान वाहन। वासहीन लोगों को जमीन देने के पहले अब होगी माफी। मुंबई और बैंगलोर आज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईटी आईएसएम धनबाद में 40 पदों पर भर्ती। आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी, जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर टेक्नीशियन के कुल 40 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को विभिन्न पदों के अनुसार विभिन्न योग्यता होना अनिवार्य है, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए अधिसूचना में जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आईआईटी आईएसएम के वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 12 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। जून से रजिस्ट्री में लोगों को मिलेगी सहूलियत। जून महीने से उन लोगों को काफी राहत मिलने वाली है जो जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री करते हैं। बता दें कि अब जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री के दौरान गवाह की कोई जरूरत नहीं होगी। अब अगर जरूरत होगी तो वह जमीन खरीदने वाले की और वही दूसरे जमीन बेचने वाले की, क्योंकि अब खरीद बिक्री के दौरान खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक तरीके से की जा सकेगी। बता दें कि इस बारे में सहायक निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय झा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि उससे पहले अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया मॉडल डीड पर शुरू हो गई है और अब निःशुल्क डीड प्राप्त किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खरीदार और विक्रेता दोनों मॉडल डीड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहारी बोधरे में आज हम बात करेंगे कावेरी झा के बारे में। कावेरी झा का जन्म आज ही के दिन 1983 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। वे हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में कार्य कर चुकी है। कला विषय में उपाधि ग्रहण करने के बाद झा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भूल भुलैया में 2007 से की। कावेरी एयर इंडिया में एयर हॉस्टेस के पद पर भी काम कर चुकी है। सन 2005 में कावेरी ने फेमिना मिस इंडिया में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित हुई। दक्षिण भारत में कावेरी झा अपने स्वतंत्र व्यवहार के लिए जानी जाती है। साजिद खान के नेतृत्व में उन्होंने टीवी शो की मेजबानी भी की है। इसके अलावा उनकी अन्य फिल्मों में हजैक, फ्लैट, बम बम बोले और जेल जैसी फिल्में शामिल है। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। कावेरी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में सभी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री से अपनी शुरुआत की है। अभिनय के लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा गया। उन्होंने आगे चलकर विभिन्न विभिन्न प्रकार की किरदार अदा किए। वे उनके अभिनय व किरदारों ने हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की एक नई कल्पना को जन्म दिया। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीपीएससी ने तय की शैक्षणिक योग्यता। अगर आप भी बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर ली गई है और साथ ही सभी के लिए जारी भी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वे अभ्यर्थी जो कक्षा 9 व 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं वह 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातोत्तर पास होने अनिवार्य है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में पीजी की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 के लिए अभ्यर्थी को 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा के अलावा 6 अन्य अर्हताएं भी तय की गई है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को देखना होगा। बिहार के 24 डीएसपी की ट्रेनिंग होगी यहाँ। बिहार में पहली बार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के दूसरे चरण का अनिवार्य सेवाकालीन 8 हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो गया है। बता दें कि इस प्रशिक्षण में 14 से 18 साल सेवा अवधि पूरी कर चुके कुल 24 एएसपी व डीएसपी रैंक के अफसर शामिल है, जिनमें 21 पुरुष और 3 महिला अफसर शामिल है। बता दें कि इन 24 अफसरों का प्रशिक्षण प्राथमिक में राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में करवाया जाएगा। वहीं शारीरिक प्रशिक्षण हेतु पदाधिकारियों को झारखंड के स्थित हजारीबाग स्थित बीएसएफ कैंप में 22 से 25 मई तक 4 दिवसीय फील्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी और फिर 29 मई से 2 जून तक तेलंगाना के राज्य पुलिस अकादमी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम होगा। वहीं प्रशिक्षण के बाद इवैल्यूएशन का कार्य किया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार के द्वारा दी गई है। बीटीआर से निकलकर घर में घुसे बाघ पर 7 घंटे में पाया गया काबू।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मंगूराह वन क्षेत्र में आने वाला इलाका पश्चिम चंपारण जिले के गोनाहा क्षेत्र के रूपालिया गांव से एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां वीटीआर से निकले एक बाघ को 7 घंटे में काबू पाया गया। दरअसल यह बाघ वीटीआर से निकलकर एक व्यक्ति के घर में घुस गया था। वहीं ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बाघ जिस व्यक्ति के घर में घुसा था वह कमलेश उराव का घर था, जहाँ बाघ के द्वारा उसकी पत्नी पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि इस हमले में उसकी पत्नी की जान बच गई क्योंकि वह वहां से भाग निकली। वहीं जब बाघ के घर में घुसने की जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई तो घटनास्थल पर वन विभाग की टीम के अलावा DFO, रेंजर, वनपाल, वनरक्षी की पूरी टीम पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि अब उस बाघ को पटना ले आया गया है। नए शिक्षक नियमावली के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक। जब से कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई है, तब से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच इसको लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षकों का यह विरोध बीते दिन भी देखने को मिला। दरअसल बीते दिन बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य विभिन्न जिलों में शिक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कुछ समय पहले सरकार के द्वारा सभी शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वह नई नियमावली के खिलाफ विरोध करेंगे तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके बावजूद भी बीते दिन शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि सरकार नई नियुक्ति को वापस ले। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे गढ़ी बांध के बारे में। गढ़ी बांध जमुई जिले का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यह जमुई जिले में खेड़ा ब्लॉक में स्थित है। यह बांध बहुत सुंदर है। यह बांध जमुई मुख्य शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर बाइक और गाड़ी से आ सकते हैं। यहां पर पहुंचकर आपको सुंदर जलाशय देखने के लिए मिलता है। जलाशय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर आप नहाने का मजा भी ले सकते हैं। यहां पर बरसात के समय मजा आता है क्योंकि यहां पर बरसात में पानी ओवरफ्लो होकर बहता है, जिसका दृश्य देखने लायक रहता है। यहां पर आपको पहाड़ी का दृश्य भी देखने के लिए मिलता है। यह जमुई का पिकनिक स्पॉट है। आप यहां फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं में स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड 12वीं स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसे छात्र ऑफिशियल वेबसाइट scrutiny.bihar.boardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 21 मार्च 2023 को जारी किया था, जिसमें तीनों स्ट्रीमों से मिलाकर पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 83.7 था। वहीं वैसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनके लिए स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल रीचेकिंग जैसे विकल्प दिए जाते हैं। वहीं वैसे छात्र जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते उन्हें स्क्रूटनी का विकल्प दिया जाता है। वैशाली में 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्रतिदिन एक या दो खबर अवैध शराब तस्करी और शराब तस्कर के गिरफ्तार होने से मिलते ही रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के वैशाली का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शंभूपुर कुंवारी चौक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही 5 पिकअप वैन को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान एक भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। बता दें कि छापेमारी में कुल 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मालूम हो कि फिलहाल पुलिस के द्वारा शराब की खेप कहां से मंगाई गई थी उसकी तलाशी की जा रही है। एसएससी में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के इतने पदों पर होगी नियुक्ति। एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा 2022 के रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई सूचना से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुल 3,960 युवाओं को नौकरी मिलेगी। मालूम हो कि कुछ दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से 17 और 18 नवम्बर 2022 को हुई थी, जिसके बाद इस परीक्षा का रिजल्ट 9 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें कुल 60,346 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद फिर इन पास अभ्यर्थियों के द्वारा 15 और 16 फरवरी को स्किल टेस्ट दिया गया, जिसको किसी कारण से रद्द कर दिया गया था, और फिर उसकी परीक्षा 10 मार्च को कराई गई, लेकिन यह परीक्षा भी रद्द कर दी गई, और उसके बाद फिर 25 अप्रैल को हिंदी और 26 अप्रैल को अंग्रेजी का आसुलिपिक परीक्षण लिया गया, जिसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन उससे पहले एसएससी के द्वारा रिक्त पदों की संख्या घोषित कर दी गई है, जिसके तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 11 विभागों में 389 पद खाली हैं और ग्रेड डी के 51 विभागों में 3,571 पद खाली हैं।
बिहार के किसानों को जागरूक करने निकलेंगे चार ज्ञान वाहन। बिहार के किसानों को जागरूक किया जा सके इसके लिए राज्य के गांव गांव में चार ज्ञान वाहन घूमेंगे, जिनमें कृषि और पशु विज्ञान के विशेषज्ञ मौजूद होंगे और उनके द्वारा ही किसानों को सलाह दी जाएगी। इसके अलावा इस ज्ञान वाहन में किसानों को मिट्टी जाँच की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वाहन को तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को दी गई है, जिसके लिए कृषि विभाग के द्वारा उन्हें 5,56,00,000 रुपए दिए जाएंगे। मालूम हो कि यह ज्ञान वाहन सभी आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा। भोजपुरी गानों में गलत शब्दों के प्रयोग को लेकर संजय वर्मा का बयान। मशहूर टीवी सीरियल एक्टर संजय वर्मा बिहार की राजधानी पटना में चल रहे गणतोत्सव में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक न्यूज चैनल से साक्षात्कार करते हुए भोजपुरी गानों पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी गाना खुद ही गाता हूं और सुनता हूं, लेकिन जो लोग गाने में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि गानों के माध्यम से अच्छे संदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि गलत गानों की वजह से समाज पर असर पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को लेकर कहा कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लगा है। पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ पर माँ सीता का जन्म स्थान भी है। गंगोत्सव में शामिल होने का मौका मिला, जिसमें गंगा की स्वच्छता बनाने को लेकर संदेश देने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है, सभी लोगों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। बिहार में 23-25 मई तक बदला रहेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 22 मई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 23 मई को बिहार के 19 जिलों और 24 से 25 मई को पूरे राज्य में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 20 से 24 मई तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में बादल छा सकते हैं, साथ ही मौसम के शुष्क बने रहने की भी अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इससे पूर्वानुमानित अवधि में हवा की रफ्तार 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। वहीं 24 मई के आसपास पूर्वा हवा चल सकती है। विभाग ने कहा कि इस अवधि में दिन का तापमान अधिक रहेगा। 2 दशक बाद विश्वविद्यालयों में होगी कर्मियों की बहाली। बहुत जल्दी राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 2 दशक के बाद कर्मियों की बहाली की जाएगी। बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से रोस्टर के आधार पर रिक्तियां मांगी गई थी, जिसमें से कई विश्वविद्यालयों के द्वारा विभाग को रिक्तियां भेज दी गई हैं, तो कई विश्वविद्यालयों के द्वारा रिक्तियां भेजी जानी भी बाकी है। लेकिन जिन विश्वविद्यालयों के द्वारा रिक्तियां भेजी गई थी उनमें से कई रिक्तियों में कुछ खामियां भी थी, जिसे विभाग के द्वारा सुधार कर दोबारा मांगा गया है। मालूम हो कि फिलहाल विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जा रही है और जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू कर दी जाएगी। IIT पटना करेगा बिहार के दूसरे बी हब का संचालन। बिहार स्टार्टअप को मजबूती मिल सके इसके लिए IIT पटना बिहार के द्वारा मौर्यालोक के बाद दूसरा बी हब बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में संचालित किया जाएगा। बता दें कि बिहार में प्रारंभ हो रहे दूसरे हब के संचालन की जिम्मेदारी IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर को उद्योग विभाग और बिहार स्टार्टअप फंड के द्वारा सौंपी गई है। मालूम हो कि इसके लिए उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित और IIT के निदेशक डॉक्टर TN सिंह के द्वारा सहमति पत्र भी हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। बता दें कि इस बारे में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है कि स्टार्टअप के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा युवाओं को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा गुजरातियों को ठग कहे जाने के मामले को लेकर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 12 जून कर दिया गया है, यानी कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जून 2023 को की जाएगी। मालूम हो कि बीते दिन कोर्ट में 3 गवाह पेश किए गए। वहीं इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस हरीश मेहता के द्वारा दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के द्वारा मिले कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा है, जिससे कि गुजरातियों के भावना को ठेस पहुंची है। ऐसे में हरीश मेहता ने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अब अगली सुनवाई को यह तय किया जाएगा कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव को समन भेजा जाए या नहीं। वासहीन लोगों को जमीन देने के पहले अब होगी मापी। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य में वासहीन लोगों को जमीन देने के लिए एक नए प्रावधानों की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस नए प्रावधान के तहत वासहीन लोगों को जमीन देने से पहले जमीन की मापी की जाएगी और उसके बाद ही किसी वासहीन लोगों को जमीन दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में वासहीन लोगों को जमीन देने के दौरान केवल पर्चा दे दिया जाता है, लेकिन इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है कि सरकार के द्वारा कई वासहीन लोगों को जमीन दे दिया जाता है, लेकिन इसके
के बावजूद भी कई वासहीन लोग अपनी जमीन से बेदखल पाए गए हैं। इसी में सुधार लाया जा सके और वासहीन लोगों को जमीन मिल सके, इसलिए इस प्रावधान की शुरुआत की गई है। सनावाज ने 2000 रुपए के नोट को पॉकेट से निकाल दी ये प्रतिक्रिया। आरबीआई के द्वारा पूरे देश में जब से 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया गया है, तब से लगातार राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में बीते दिन बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान विपक्ष पर पलटवार करते हुए अपने पॉकेट से 2000 रुपए के नोट को निकालते हुए कहा कि मेरे पॉकेट में एक नोट है जिसे मैं बैंक में जाकर बदला कर लूंगा, लेकिन जिसके घर में बंद बक्से में ये नोट पड़े हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में लूट की पूरी छूट थी। जब नोट बंद होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ही होती है। वही अब 2000 रुपए के नोट बंद हुए तो भी वही परेशान है, लेकिन 2000 का नोट बंद होने में क्या दिक्कत है। आरजेडी कार्यकर्ता की हत्या मामले पर पप्पू यादव ने जताई नाराजगी। बीते दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ता की हत्या के 4 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मृतक के परिजनों से मिलने के लिए हाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत चिराग पासवान, नित्यानंद राय और पशुपति पारस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को याद दिलाते हुए कहा कि जो जमीन से खोद कर निकालने वाले बयान दे रहे हैं, शायद उनको पता होना चाहिए कि जब उनके घर में 4 लोगों की हत्या हुई थी तो मैं उनके पास सबसे पहले पहुंचा था, इसलिए वह क्या निकालेंगे जमीन खोद कर अपराधी को जिनके परिवार का खुद न्याय न मिला हो। उन्होंने कहा कि राघोपुर के हालात सही नहीं है, इसके बारे में मैं तेजस्वी यादव से बात करूंगा और कहूंगा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय, चिराग पासवान, पशुपति पारस और आलोक मेहता सभी यही के हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं या सभी फेकू हैं। चिराग पासवान उसी जगह पर जाते हैं जहां उनको वोट मिलता है। बड़ी बड़ी बातें कहने वाले नित्यानंद राय ऐसे अपराधियों से क्यों नहीं लड़ते हैं। विपक्षी एकता की मुहिम पर सरयू राय ने कसा तंज। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकता को लेकर मुहिम चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस मुहिम पर बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा तंज भी कसा गया है। बता दें कि अब उनके इस मुहिम पर झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय के द्वारा भी तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की कवायद तराजू पर मेढक तौलने के जैसी है। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात बेमानी है। अगर कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि पीएम उम्मीदवार उनकी ही पार्टी का हो तो यह मांग बिल्कुल गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी एकता में पीएम उम्मीदवार का चयन होने लगा तो मतभेद होना निश्चित है, लेकिन इस तरह के मामले को नीतीश कुमार किस तरह से लेते हैं वह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह 3-5 का खेल नहीं है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम उठाया है जो आसान नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी जिसका नतीजा यह हुआ था कि केंद्र में सरकार नहीं गई थी, लेकिन बंगाल से पंजाब तक सरकार बदल गई थी। मुंबई और बैंगलोर आज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में 2 मैच खेले जाने हैं, जिनमें से पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर 3:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। बता दें कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि एक जीत शीर्ष 4 में स्थान की गारंटी नहीं देगी, लेकिन आरसीबी अगर अगला मैच हारती है तो मुंबई के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका होगा, जबकि एसआरएच के लिए एक जीत से उन्हें आईपीएल 2023 को एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं आज का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, जहां बैंगलोर के लिए अपने घर में जीटी के खिलाफ जीत बेहद जरूरी होने वाली है। तो दूसरी ओर गुजरात पहले ही प्लेऑफ से जगह बना चुकी है, लेकिन आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीटी को मात देनी ही होगी। ऐसे में आज होने वाला यह दोनों मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 21 मई 2006 में श्रीनगर में कांग्रेस की रैली पर हमला हुआ। दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की 2010 में हत्या कर दी गई। भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म 1931 में हुआ। भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का जन्म 1960 में हुआ था। मशहूर निर्देशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म 1971 में हुआ था। गामा पहलवान का निधन 1960 में हुआ और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तम ए जमा पहलवान का नाम न सुना हो। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन 1991 में हुआ। बता दें कि आज के दिन को आतंकवाद विरोध बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी भर्ती पत्र में दावा किया गया है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर
भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और 4,950 रुपए की राशि जमा करना चाहता है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा ऐसी कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं की गई है। अपने फोन को फटने से ऐसे बचाएं। कई बार आपने फोन फटने की खबर सुनी होगी। अगर आप भी अपने फोन को फटने से बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फोन को चार्ज करें। अगर आपका ओरिजिनल चार्जर खराब भी हो गया है तो आप ऑथराइज्ड स्टोर से नया ओरिजिनल चार्जर ही खरीदें। आपको अपने फोन को कभी भी सूरज की रोशनी में डायरेक्ट चढ़ाकर चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे फोन हीट हो सकता है जिससे फटने की संभावना बढ़ती है। अगर आपका मोबाइल किसी भी कारण गर्म हो रहा है तो आप इसे यूज करना तुरंत बंद कर दे। जब फोन नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसको यूज करे। कई बार पैसे बचाना जान जाने का खतरा लाता है। सस्ती बैटरी फोन फटने का कारण बन सकती है। कुछ लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर कॉल पर बात करते रहते हैं या फिर फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दे। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, मुकेश राम, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, उमेश सिसदेव, रमन कुमार, अनवर करीम खान, विद्यासागर, सदुल्लाह पलवी, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, रामनवी मांझी, रितेश रंजन, रोशन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपका मन पसंदीदा ब्रांड स्मार्टफोन का कौन सा है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।